अब ऐसे कि मैं अभी कहाँ पेश करने के लिए दावत हूँ, मैं कुछ संगीती बातें पेश करना चाहता हूँ। हजरत इकराम अभी मौसूफ हैं जो आयत पे जो सूरत पेश की वक्तुहा, कि इस आयत में अल्लाह दुआरबीन ने आज रावत करें शायद अल्लाह दुआरबीन ने वक्त की कसम खाई कि वक्तुहा कसम चाश्त के वक्त की। इसी तरीके से अल्लाह दुआरबीन ने कुरान मजीद की मुतादिद आयत में कई जगह बार बार कई बार बारह मकाम पर मकाम आता अल्लाह दुआरबीन ने वक्त की कसम खाई, कैसे वो शाम की कसम खाई तो कहीं चाश्त के वक्त कसम खाई। इसके अलावा कसम चाश्त की कसम है इंसान के पास मौत का फरिश्ता आ जाता है। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उस वक्त भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से वक्त का मुतालबा करता है, वक्त की मांग करता है। जैसा कुरान कहता है हत्ता इदा जाअ अहदहुम मौत क़ाला रब्बि इर्जिऊन, जब तुम में से किसी के पास मौत आती है या तुम में से किसी के पास मौत का फरिश्ता आ जाता है तो अल्लाह से कहता है ऐ अल्लाह तुम थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे। इंसान अल्लाह से वक्त का मुतालबा क्यों करता है, वक्त की मांग क्यों करता है, वक्त की डिमांड क्यों करता है? वो इसलिए लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं नेक अमल कर लूँ। फ़ी मा तरक्तुकल्ला, तो अल्लाह बन जवाब देगा नहीं। जब इंसान अल्लाह को आमीन से वक्त का मुतालबा करेगा, वक्त की मांग करेगा, अपनी आखिरी वक्त में जब उसकी जान निकल रही है, फरिश्ता उसके मौत का फरिश्ता उसके पास आ गया, उसकी जान गले में अटक गई, उस वक्त इंसान अल्लाह से वक्त का मतालबा करता है, वक्त की डिमांड करता है, वक्त का मांग की मांग करता है। उस वक्त अल्लाह बुआमीन जवाब देगा कल हरगिज़ नहीं। क्यों उसको अल्लाह वक्त क्यों नहीं देगा, मोहलत क्यों नहीं देगा? उसकी वजह भी कुरान बयान कर रहा है इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, इसलिए कि तुम दुनियावी ज़िंदगी में इसी बात के कायल थे। जब तुमसे कहा जाता था कि नमाज़ें पढ़ो इबादत करो तो तुम ये बात कह देते थे अभी से नहीं इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे, अभी से नहीं फजर से नहीं पढ़े फजर में नहीं उठे तो इंशाल्लाह कल फजर से इंशाल्लाह नमाज शुरू करेंगे। तुम दुनियावी ज़िंदगी में इसी बात के कायल थे लिहाजा तुमको वक्त और मोहलत नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक कुरान कहता है कि हुम यस्तरिखून फीहा, जब वो लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, जब उनका हिसाब किताब हो जाएगा, जब उनके अच्छे अमाल और बुरे अमाल का हिसाब किताब हो जाएगा, जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो उस वक्त भी जहन्नमी जिस चीज़ का मुतालबा करेंगे, जिस चीज़ की मांग करेंगे, जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वो वक्त है। ये कुरान कहता है कि हुम यस्तरिखून फीहा, वो लोग जहन्नम में चीखेंगे चिल्लाएंगे और क्या कहेंगे रब्बना अखरिजना नअमल सालिहा, कि हम परवरदिगार ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जहन्नम से निकाल ले, तो हमें यहाँ से निकाल ले। निकालने के बाद वो लोग ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें निकाल के जन्नत में डाल दे, नहीं अखरिजना नअमल सालिहा, तो हमें इस बिना पर निकाल, इस वजह से निकाल ले हम नेक अमाल करेंगे, तो हमें जहन्नम से निकाल दे ताकि हम नेक अमाल करें। फिर तो अल्लाह जवाब देगा अवलम नुअम्मिरकुम, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उनको मायूस कर देगा, उन्हें मोहलत और वक्त नहीं देगा और अल्लाह जवाब देगा अवलम नुअम्मिरकुम मा तदक्करू फी, क्या मैंने तुमको दुनियावी ज़िंदगी में इतनी मोहलत नहीं दी थी, इतना वक्त नहीं दिया, इतनी टाइम नहीं दी कि उसमें अगर कोई नसीहत लेना चाहता, उसमें अगर कोई नसीहत लेना चाहता तो ले सकता था, उसमें कोई सबक लेना सीखना चाहता सीख सकता था। बस मज़ा सीखो फ़ज़ूक़ु फ़मा लिल्ज़ालिमीन मिन नसीर, और यहाँ ज़ालिम में कोई मददगार नहीं है। तो ज़रा गौर करें कि इन दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान किसका मुतालबा कर रहा है, वक्त का, ज़िंदगी का, थोड़ी सी ज़िंदगी का, थोड़े से वक्त का, तक उसमें नेक अमल कर ले। तो क्यों ना अल्लाह जो वक्त दिया, जो मोहलत दी, जो ज़िंदगी दी, इसमें नेक अमाल कर लें, इसलिए कि ये वक्त ही वो चीज़ है जिसमें इंसान अल्लाह की बंदगी करके अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनता है, इंसान अपनी इस्लाह करता है और आखिरत की तैयारी करता है। और एक हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वक्त को इसी जिंदगी को नेमत से ताबीर किया और फरमाया कि नेमतान मकबून फीहिमा कथीर मिन नास अस्सिहत वल फराग, कि दो नेमतें ऐसी हैं, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके सिलसिले में इंसान अक्सर धोखे में रहता है। नंबर एक सेहत तंदुरुस्ती, नंबर दो खाली औकात। इस ज़रा गौर कीजिए कि इस हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वक्त मिला, जो ज़िंदगी मिली अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जो हमें वक्त मिला, जो ज़िंदगी मिली, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमत से ताबीर किया कि ये नेमत है अल्लाह की। तो क्यों हम इस नेमत की कदर करें, इसमें नेक अमाल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, आखिरत की तैयारी करें। इतना ही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इग्तनिम खमसन क़ब्ल खम्स, पाँच चीज़ों को पाँच चीज़ पहले गनीमत समझो। उनमें से एक चीज़ ये भी थी शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से गनीमत समझो। इस हदीस ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी को बुढ़ापे से गनीमत क्यों बतलाया कि जवानी से जवानी को बुढ़ापे से गनीमत समझो, इसलिए कि जवानी एक ऐसी ज़िंदगी है कि इंसान इसमें तरह तरह के इसमें इम्तहान से गुजरता है, तरह तरह की आजमाइश से गुजरता है। उस वक्त इंसान का बहुत सारे काम रहते हैं, उस वक्त इबादत के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो मरहला है जिंदगी जवानी का, इस वक्त की ये इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़्यादा पसंदीदा है। और वक्त की इतनी अहमियत है इस्लाम में, इतनी अहमियत है कि हदीस में आता है कि ला तज़ूल क़द्म इब्न आदम, तिर्मिज़ी की रवायत है, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इस हदीस को अल्लामा ने हसन सही करार दिया है। आप क्या फरमाते हैं कि ला तज़ूल क़द्म इब्न आदम यौम अल-क़यामा कि इंदा रब्बी हत्ता युसअल अन ख़म्स, क़यामत के दिन बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं हटेंगे, बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं टलेंगे यहाँ तक कि उससे पांच चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। उनमें से एक चीज़ ये भी होगी कि तुमने जो जवानी मिली, जवानी के वक्त तो तुमने कहाँ गुजारा। उनमें से एक चीज़ जो ज़िंदगी मिली उसने कहाँ गुजारा, और दूसरी चीज़ जो तुम्हें जवानी मिली उसे उस वक्त कहाँ गुजारा। आप ज़रा गौर करें कि जवानी का जो मरहला है कितनी अजमत का मरहला है, कितनी अहमियत का मरहला है इस वक्त ये जवानी का मरहला। इसलिए कि इंसान इसमें अल्लाह की बंदगी करके अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनता है। तो क्यों ना हम अल्लाह की बंदगी करके इसमें नेक अमाल करें, इसमें इबादत करें, क्योंकि इस वक्त की इबादत अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। हदीस में आता है कि सबातुल्लाफ़ीलू, सात किस्म खुशनसीब ऐसे होंगे जो क़्यामत के दिन जिनको अर्श इलाही का साया नसीब होगा। उनमें से एक वो नौजवान भी होगा शाबुन शाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हो। तो क्यों ना हमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो वक्त दिया, जो मोहलत दी, जो टाइम दिया, उसे हम नेक अमाल करें, आखिरत की तैयारी करें। इसलिए कि आप एक बात याद रखना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खबर मदफून हैं, जो कब्रों में दफन हो गए, जिन्हें कल से नमाज शुरू करनी थी, जिन्हें कल से इबादत करनी थी, लेकिन उन्हें वक्त, अफसोस कि उन्हें वक्त नहीं मिला। तो इस वक्त को, इसकी अहमियत को समझते हुए इसमें नेक अमाल करें, आखिरत तैयारी करें, अल्लाह बाबा को राज़ी करें। अब आखिर में अपनी बात को ज़्यादा तुलना देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आलमीन हाँ तमाम मुसलमानों को नेक अमाल करने, उसमें वक्त की अहमियत समझने, उसमें नेक अमाल करने, आखिर तैयारी करने की तो तौफीक दे, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो क़ाबिल गफलत में पढ़े हुए हैं अल्लाह तुमको बेदार कर दे, आमीन सुम आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। हज़रीन इकराम, अब मैं छोटी तमहीद के बाद